भाई जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत के आए भाई इतने बड़े थे, जब भी रोड पे नहीं होता, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए जब हुए भाई, अब देख सकते हो जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत के आए थे भाई 1.5 लाख बंदे रोड पे था, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई तो भाई 3-4 लाख बंदे रोड पे, भाई इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है रमन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको बता भाई इंडिया के भाई विक्ट्री परेड निकल गई और भाई इंडिया ने भाई हिस्ट्री रच दी है भाई, इतने सारे बंदे भाई रोड पे आ गए थे भाई, 3-4 लाख बंदे रोड पे भाई, इतनी पब्लिक आ गई थी रोड पे कि भाई पुलिस प्रशासन को भाई मना करना पड़ा था कि भाई और बंदे वहाँ पे मत आओ, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी। जब इंडिया सुबह 6 बजे लैंड करी ना भाई एयरपोर्ट पे, भाई इतने सारे बंदे भाई दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ गए थे भाई, लग रहा था कि भाई वो घर ही नहीं गया भाई, इतने सारे बंदे आ गए थे भाई स्वागत करने के लिए इंडिया टीम का। बस जब होटल पहुंचे ना, फिर होटल पहुंचने के बाद उसके बाद भाई डांस गाने से भाई उनको स्वागत किया गया मस्त तरीके से भाई, जब रोहित शर्मा ने नाचे ना भाई मजा आ रहा था भाई, वो देख के भाई बिल्कुल मजा तरीके से आ रहा था कि भाई बहुत टाइम बाद भाई रोहित शर्मा और पूरी क्रिकेटर्स को भाई खुशी देखने को मिल रही थी भाई। उसके बाद भाई टीम ने पूरी आराम की, उसके 10:30 बजे निकल गए भाई पीएम मोदी से मिलने के लिए, फिर भाई 11 बजे उनकी मीटिंग हुई पीएम मोदी से भाई, उनके साथ इंटरव्यू हो और भाई सोलो पिक्चर्स खिंचवाई और भाई पूरी टीम के साथ फोटो भी खिंचवाई भाई, बहुत अच्छे पल थे भाई उनके लिए। भाई जैसे टीम इंडिया भाई मुंबई के अंदर लैंड करी, इसके बाद जो स्वागत हुआ है ना उनका भाई वोटर गन से स्वागत किया गया भाई, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और भाई पूरे का पूरा मुंबई का ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कहाँ आ गए भाई, पूरे का पूरा मुंबई जाम हो रहा था भाई, ऐसा लग रहा था भाई 2007 का भाई पूरे का पूरा मेमोरिया याद आ रही थी भाई, इतनी सारी भीड़ आई हुई थी भाई, 3-4 लाख बंदे रोड पे आए हुए थे भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी भाई, पुलिस वालों को रोकना पड़ गया था कि भाई और बंदे मत आओ वहाँ पे भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी थी भाई, पूरे का पूरा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था भाई। वहाँ पे 3-4 लाख तो बंदे रोड पे थे और भाई स्टेडियम के अंदर अलग से बंदे भरे हुए थे, उसके बाद जब रोड से पब्लिक निकल रही थी ना बस, तो भाई रोड पे अलग खड़े थे, उसके बाद भाई एयरपोर्ट पे अलग बंदे खड़े थे भाई, 3-4 लाख बंदे थे भाई इस समय भाई, इतनी पब्लिक आई हुई थी भाई, इतनी सारे बंदे भाई, वो तो भाई एक शहर के अंदर की बात, अगर भाई और शहरों में होता ना भाई कितनी पब्लिक आ जाती भाई, इतिहास क्या भाई पूरा का पूरा रिकॉर्ड बन जाता भाई आज तक ऐसा, वैसे भी ये रिकॉर्ड तो अभी इंडिया के नाम ही है, लेकिन भाई पूरा का पूरा ऐसा रिकॉर्ड बन जाता, कभी टूट ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाती अगर और सिटीज़ में भी होता। ओपन बस में जब चढ़े ना वो, उसके बाद भाई 3-4 घंटे लग गए भाई उन्हें पहुंचने में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, और भाई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जब पहुंचे भाई पूरा का पूरा स्टेडियम भाई पूरा का फुल पैक भाई, लग रहा था जैसे कि कोई मैच होगा उसके अंदर भाई, लेकिन भाई जो स्वागत हुआ उनके भाई रोड पे और भाई स्टेडियम के अंदर भाई मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं पूरा हिस्टोरिकल मूवमेंट था मस्त तरीके से। और भाई बस सबसे बेस्ट मूवमेंट पता कौन सा था भाई, जब रोहित शर्मा ने भाई हार्दिक पांड्या का भाई अप्रिशिएट किया ना 19th ओवर के लिए, और उसके बाद जब स्टेडियम में भाई जो उन्हें कुछ 6 महीने पहले जो बू 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 कर रहे थे, उसके बाद बस जो सबने हार्दिक पांड्या को भाई चीयर किया ना, हार्दिक पांड्या भाई, वो सबसे बेस्ट मूवमेंट था। और भाई रोहित शर्मा ने तो भाई हार्दिक पांड्या को अप्रिशिएट किया, और भाई विराट कोहली का जब इंटरव्यू हो तो भाई विराट कोहली ने भाई बुमराह को अप्रिशिएट किया भाई, दोनों के दोनों बंदों ने भाई दोनों के दोनों बॉलर को अप्रिशिएट किया भाई। पता है विराट सर का भाई बेस्ट मूवमेंट कौन सा था 2024 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई, उन्होंने बताया कि उनका बेस्ट मूवमेंट था भाई ये वाला, आप देख सकते हो मेरे पीछे भाई, उन्होंने बताया कि मेरा बेस्ट मूवमेंट था अभी तक का भाई। इतनी सारी भीड़ आने के बाद भाई एक दिक्कत पता क्या हुई भाई, इतनी भीड़ तो आ गई लेकिन भाई अब देख सकते हो जब भीड़ चली गई तो भाई कितनी सारी चप्पलें छूट गई यार भाई जिसकी चप्पलें छूट गई जाके ले लो यार, तुम्हारी चप्पलें छूट गई बहुत सारी भाई, ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं कितने सारे जने आ गए, इतनी सारी चप्पलें छुटी हुई आप देख सकते हो मेरे पीछे भाई। जो सब कह रहे थे ना अर्जेंटीना ने भाई रिकॉर्ड बनाया, अर्जेंटीना तो भाई कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने भाई, आप देख सकते हो भाई इंडिया में भाई क्रिकेट का भाई कितना तकड़ा क्रेज है आप देख ही सकते हो भाई, इसे तो भाई अभी ट्रेलर था, अगर भाई पूरे कंट्री अगर भाई पूरा का पूरा अलग अलग स्टेट्स में होता ना तो भाई पता नहीं कितना रिकॉर्ड टूट जाते भाई, वो तो भाई एक सिटी के अंदर हुआ था वैसे थोड़ा कम आए बंदे, लेकिन अगर और सिटीज में होता तो भाई कितने पब्लिक आ जाती, तो आप देख ही सकते हो भाई अर्जेंटीना तो भाई इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है अभी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।